हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली का सांबार, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है गरम गरम चावल के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप तूर दाल लिया है। यहाँ पे तूर दाल को मैं अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें 2 कप पानी डाल के इसको मैं आधा घंटे के लिए भिगो दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम एक कुकर में डाल लेंगे दाल को। फिर इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टमाटर हम इसको आधा काट के, टमाटर को भी हम काट के डाल देंगे। डालने के बाद इसमें 2 कप पानी डालेंगे हम। पानी डाल के इसको हम 3-4 सीटी के लिए हम इसे पका लेंगे। देखिए, हमारी दाल पक के रेडी हो गई है। इसको अच्छी तरह से हमें मैश करने का है। इस तरह से हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इमली का पानी मैं निकाल के रखा था, आधा कटोरी इमली का पानी इसमें डाल दीजिए और इसको फिर से एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन में मैंने 2 टीस्पून मैंने तेल लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम सरसों, 1 टीस्पून सरसों डाला मैंने। इसमें सरसों अच्छे से तड़कने लगेगा तब हम इसमें 1/4 स्पून हम इसमें हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम एक सूखी लाल मिर्ची डालेंगे, फिर कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे इसमें। फिर यहाँ पे मैंने मूली, वैसे 2 मूली मैंने काट के, गोल गोल काट के इसको मैंने पका लिया है, बॉईल कर लिया है। इस मूली को भी हम इसमें डाल देते हैं। डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। मिला के उसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें मैंने 2 टीस्पून इसमें सांभर पाउडर डाला है और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हमें पकाने का है। देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अभी हम जो हमारा उबला हुआ दाल है ना, जो पका हुआ दाल, उसको इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। जितना आपको गाढ़ा चाहिए, पत्ता चाहिए, उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया इसमें और इसको उबाल आने तक इसको हम थोड़ा पका लेंगे। देखिए, यहाँ पे उबाल आ गया है, हमारा सांभर रेडी हो गया है। इसमें हम फ्रेश हरा कटा धनिया डाल देते हैं। लीजिए, हमारा मूली का सांभर रेडी हो गया खाने के लिए। इसे गरम गरम चावल के साथ खाइए। हाँ, ना इसमें मैंने प्याज यूज़ किया है, ना लहसुन यूज़ किया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।